स्टूडेंट आई एम वाजिद अली कंबो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर फाइव और आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल आइए इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट रदरफोर्ड फोड मॉडल विच इज एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हम इसे स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं इट इज आल्सो कार्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट जो है ना ये 1911 में लॉर्ड अर्नस रदरफोर्ड उसने एक, ये परफॉर्म किया था यानी इट वाज परफॉर्म बाय लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड अलोंग विद मास्टन एंड गाइगर कौन था एक्चुअली ना मास्टर एंड गायगर देव आर द दे स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट मास्टर गायगर ये परफॉर्म कर रहे थे जो रदरफोर्ड है अर्नस वो इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था रदरफोर्ड इन दोनों स्टूडेंट का सुपरवाइजर था 1911, 1911 में ये एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें हमें क्या चाहिए एक्सपेरिमेंट में हमें चाहिए एक तो चीज एल्फा पार्टिकल सोर्स चाहिए यानी ऐसा हमें सोर्स चाहिए जो एल्फा पार्टिकल दे ये आप पोलोनियम ले सकते हैं रेडियम ले सकते हैं ये डिफरेंट रेडियो एक्टिव मेटल्स है ये जो मेटल्स हैं ये अल्फा पार्टिकल अबिट करती हैं दूसरी चीज हमें लेड uh, ब्लॉक चाहिए साथ ही साथ हमें थिन मेटल फॉयल चाहिए जिसकी जो मोटाई है थिकनेस जो है वो पॉइंट जीरो 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 फोर सेंटीमीटर हो हम एक्सपेरिमेंट में ना जो स्टडी कर रहे हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। हम इसमें गोल्ड फॉयल उसका जिक्र करेंगे तो एक गोल्ड फॉयल सोने का बारीक वर्क बारीक तैसी सी जिसकी ये मोटाई है पॉइंट जीरो 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 फोर सेंटीमीटर इसको लिया और फिर हमें एक सर्कुलर स्क्रीन चाहिए स्क्रीन दिस वन इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड जेड एन एस एक सर्कुलर स्क्रीन जिसको जिंक सल्फाइड से कोट किया गया है जब अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्राइक करते हैं तो फ्लैश प्रोड्यूस होती है यह हमारी जरूरत है एक्सपेरिमेंट के लिए स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कैसे किया आइए उसको देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यह मेरे पास लेड ब्लॉक है इस लेड ब्लॉक में हम अल्फा पार्टिकल सोर्स लेते हैं आप पलोनियम ले लें रेडियम ले लें ऐसा सोर्स जो अल्फा पार्टिकल अमिट करे। इसमें ना हम एक पिन होल करते हैं इसके एक वाल पे एक दीवार पे पिन होल इंतहाई बारीक सा सुराख। जहां से अल्फा पार्टिकल अमिट होंगे दीज आर वेरी फास्ट अल्फा पार्टिकल वेरी फास्ट फास्टली मूविंग एल्फा पार्टिकल्स हम इनको एक सिलिट से पास करवाते हैं सिलिट से पास करवाने का मकसद रहता है कि वी वॉन्ट टू गेट अफ अल्फा पार्टिकल तो स्केटर्ड फॉर्म में ना आए बीम की फॉर्म में आए उसके बाद हमारे पास वो अ मेटल फॉयल है दिस वन इज द गोल्ड फॉयल इसकी थिकनेस मैंने आपको बताई है कि पॉइंट जीरो 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 फोर सेंटीमीटर बहुत बारीक इंतहाई बारीक इसके चारों तरफ हमने एक सर्कुलर प्लेट लगाई विच इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड ये हमारा एक्सपेरिमेंट है अब जरा एक्सपेरिमेंटेशन uh, कैसे वर्किंग कैसे हो रही है और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट वर्किंग में देखें ये लेड ब्लॉक से अल्फा पार्टिकल अबिट हुए में से पास हुए वी हैव अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब ये अल्फा पार्टिकल थिन मेटल फॉल से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द थिन मेटल फॉल ज्यादातर उसमें से गुजर गया चंद एक डिफरेंट uh, एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बाउंस बैक हो रहे विच डिफ्लेक्टेड बैक जिस रास्ते से गए उसी से क्योंकि यहां पे ये फ्लैश प्रोड्यूस कर रहे ये हमारी एक्सपेरिमेंटेशन है हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व करते हैं और उससे क्या कंक्लूड करते हैं आइए इसको देखते हैं स्टूडेंट uh, ऑब्जर्वेशन में uh, जो हमने एक्सपेरिमेंट के देखा ये मेरे पास मेटल फॉयल है ये मेटल फॉयल है इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं ये मेटल फॉयल है इसके अंदर ये एटम्स है मैं एटम बड़े बड़े आपको ये शो करवा इसके पीछे ये सर्कुलर जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट है दिस वन सर्कुलर जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट अब ऑब्जर्व हमने क्या किया <laughs> हमने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां पे आगे गुजर गए यहां फ्लैश प्रोड्यूस हुई तो इसका मतलब हुआ ये अल्फा पार्टिकल्स है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इसमें से पास कर गए ये पास कर गया तो अल्फा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट थ्रू द थिन मेटल फॉयल अच्छा कुछ अल्फा पार्टिकल ना इधर आए इधर को चले गए यहां जाके फ्लैश प्रोड्यूस हुई कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो इधर से इधर से ये सीधे कुछ ये आके यहां से इधर को चले यहां पे फ्लैश प्रोड्यूस और कुछ हैरान कुन ये भी था कि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर गए और यहां से बाउंस बैक हो गए और ये यह हमें यहां पे फ्लैश प्रोड्यूस ये तीन ऑब्जर्वेशन थे यानी अगर आप ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे तो हमने तीन ऑब्जर्वेशन इसमें देखी पहली ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्टेट थ्रू द थ्रू द मेटल फॉल बिल्कुल सीधे गुजर जाते हैं सम ऑफ दूसरी बात आप जो नोट करेंगे कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल और तीसरी बात कि कुछ अल्फा अ फ्यू अल्फा पार्टिकल दे बाउंस बैक टकरा के वापस आ गए अगर इसको मैं क्वांटिटेटिवली देखू ना तो ऑन एवरेज ऑन एवरेज हर हर आठ हजार एल्फा पार्टिकल में से ना एक एल्फा पार्टिकल वेरियस एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होता है या हर आठ हजार एल्फा पार्टिकल में से एक एल्फा पार्टिकल बाउंस बैक आठ हजार में से आठ हजार में से सात हजार नौ सौ अल्फा पार्टिकल इसमें से पास करके सीधे गुजर एक अल्फा पार्टी यानी सोलह हजार में से दो अल्फा पार्टिकल उन्होंने लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए या वो बाउंस बैक हो गए दीज आर दब्जर्वेशन अब हम आते हैं कंकोलिगन की तरफ इससे उन साइंटिस्ट ने कंक्लूड क्या किया क्या नतीजा अखज किया स्टूडेंट जरा सुनिएगा पहली तो बात है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर गए इट मीन मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्पटी एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्पटी है खाली है विदाउट डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल पास कर गए कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए ये क्यों डिफ्लेक्ट हुए देखें मैं फर्ज करता हूं ये मेरे पास एक, एक एटम है ये एटम है स्टूडेंट इसके ना सेंटर में ये न्यूक्लियस है मैं जरा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि हम बात कर सके न्यूक्लियस है अब हुआ गया कि ये ज्यादातर स्पेस खाली है लिहाजा ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल इसमें से पास कर गए ज्यादातर गुजर गए ये अल्फा पार्टिकल इसमें से पास कर गए ये पास कर गए इधर से पास कर गए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसका मतलब है एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है ना वो एम्प्टी है अब अल्फा पार्टिकल क्या है ये भी आपको जेन में रखना होगा हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी कि जो जो अल्फा पार्टिकल है ना अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली जिसे हम एच टू फोर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियस अगर आप हीलियम का न्यूक्लियस देखेंगे ना तो हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन की वजह से दो प्रोटॉन की वजह से इस पे चार्ज है प्लस टू दिस वन इज द हीलियम न्यूक्लियस मैसिव भारी और प्लस टू हाईली पॉजिटिव इसका मतलब है ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है यह एल्फा पार्टिकल ये हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल ये जा रहा है टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन प्लस टू चार्ज जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पे गया ना यहां पे तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हुई रिपल्शन की वजह से ये इधर को चला गया माय डियर स्टूडेंट ना सिर्फ अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई डिफ्लेक्ट हुआ बल्कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई वो अल्फा पार्टिकल जो यहां से जाएगा ये वो वो अल्फा पार्टिकल जो यहां से जा रहा है ये वो कम डिफ्लेक्ट होगा जितना करीब होता जाएगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट जो यहां से मजीद करीब जाएगा वो ज्यादा इधर पर चला जाएगा लेकिन स्टूडेंट ये तो वो हुआ ना कि वो अल्फा पार्टिकल विच डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल इनकी से डिफ्लेक्शन ने एडफ इलाज हमें क्या कन्विंस किया हमें यह कन्विंस किया कि एटम के सेंटर में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह जो लार्ज डिफ्लेक्शन है ना यह हमें बताती है कि इस पर जिसे वो में न्यूक्लियस कहता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से यह दूसरी बात अब ना यह न्यूक्लियस गया अल्फा पार्टिकल गया इससे टकरा के वापस आया ये ये बाउंस बैक हुआ यहां पर इसके बारे में ना रदर फोर्ड अपनी बायोग्राफी में लिखता है वो कहता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर गए कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए और 8000 में से एक आधा अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक वो कहता है जब ये अल्फा पार्टिकल बाउंस वापस बुड़ा ना हमें ऐसे लगा कि जैसे कोई आके हमें यह गए कि एक 15 इंच कैनन शेल 15 इंच तोप का गोला टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ रहा है। तो हमें इस तरह हैरान की हुई अब इससे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि यह जो एटम के सेंटर में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है मैसिव जब यह अल्फा पार्टिकल उस मैसिव ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया तो वह ज्यादा भारी है यह कम भारी है ये उसके मुकाबले में हल्का अल्फा पार्टिकल तो ये उस मैसिव सेंट्रल पोर्शन से टकरा के वापस आ गया हमने ना ये यहां पे मेटल मैंन मैंने कहा की की गोल्ड का जो अटोमिक गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो हाईली मैसिव है और जब गोल्ड के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा जो उसके मुकाबले में बहुत हल्का है बहुत लाइटर है तो डेफिनेटली ये अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगा इससे हमें क्या पता दो बातें आ गई ना एक लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन हमें कन्विंस करती है कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम इज इज पॉजिटिवली चार्ज और बाउंस बैक टकरा के वैसे वापस आना इट शोज दैट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम इज मैसिव वी कैन से दैट द होल मैस ऑफ एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस एटम का सारे का सारा जो मास है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा प्लेनेटरी मॉडल ऑफ रदर एटम रदरफोर्ड स्टूडेंट रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल को सोलर सिस्टम से तश्मी दी उसने कहा जैसे सोलर सिस्टम में सूरज के के तमाम प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सिमिलरली सिमिलरली ये मेरे पास न्यूक्लियस है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के के ये electron continuously revolve continuously this one is the nucleus and uh, around the nucleus electrons are revolving continuously an appropriate number of e electrons e revolve all the particles except electrons are residing in the nucleus and they are called the nucleons. तो इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे के सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर हैं और पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस आर कार्ड न्यूक्लियोन्स एक और चीज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे आई I मीन mean, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज तो एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये उसने रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल पेश किया पास्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जितनी भी हमने बातें की हैं हम इन तमाम बातों को ऑब्जर्वेशन है कंकुलेन है प्लेनेटरी मॉडल है हम इन तुमाम को पास्टुलेट ऑफ रदर फोर्ड अटोमिक मॉडल की फूर्त में लिख देते हैं पॉइंट्स में पहली बात जो मैंने कही पहला पॉइंट स्टूडेंट मैंने आपको समझाया कि मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट थ्रू मेटल फॉयल फॉइल शोइंग मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये पहला पॉइंट पहली बात आपने जेन में रखी तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए इसका मतलब है एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हम कहेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड दैट एटम हैज मैसि सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस ये दूसरा पॉइंट है तीसरी बात जो आपने याद रखनी स्टूडेंट वो ये है तीसरा पॉइंट हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो नू न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड है और एटम का ज्यादातर जो मैस है यानी ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑलमोस्ट द होल मैस ऑफ द होल मैस ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड द न्यूक्लियस फोर्थ पॉइंट अलेक्ट्रॉन्स अलेक्ट्रॉन्स इसे मैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहता हूं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और लास्ट पॉइंट एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल मजमुई तौर पर एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल एक और बात स्टूडेंट ये मेरे पास ना दोबारा ये मेरे पास एटम है ये इसका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस एटम का बहुत ही न्यूक्लियस एटम के अंदर बहुत कम स्पेस करता है। कितनी स्पेस करता है मैं आपको दो बातें समझाता हूं। आप एक ना फुटबॉल उसको न्यूक्लियस कंसीडर करें और आप उस फुटबॉल के गिर्द तकरीबन 15 किलोमीटर का सर्कल लगा दें पंद्रह किलोमीटर दूर सर्कल लगा दे इसका मतलब है कि वो फिफ्टीन किलोमीटर जो आपने सर्कल लगाया वो जितनी भी स्पेस है दैट इज द स्पेस ऑफ एटम और जो फुटबॉल जितनी स्पेस ऑकोपाई करता है दैट इज स्पेस ऑक्योपाइड बाय द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर जो एटम एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम स्पेस ऑकोपाई करता अगर मैं एटम का सारे का सारा ये जो रेडियस साइज है डायमीटर ये मैं कंसीडर करूं रेज पावर माइनस टेन मीटर तो ये जो न्यूक्लियस है ना इसका रेडियस होगा रेज पावर माइनस फिफ्टीन मीटर यानी न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले में बहुत ही कम होता है आगे बढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है आप ना तीन डिफेक्ट जो है उसको याद रखेंगे डिफेक्ट नंबर वन पहला डिफेक्ट जो आपने स्टूडेंट याद रखना है ना वो ये है कि जो रदरफोर्ड है उसने अपने अटोबिक मॉडल में लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन इन को यूज किया है हालांकि हम जानते हैं कि दीज लॉज आर एप्लीकेबल ऑन द एप्लीकेबल ऑन द न्यूट्रल बॉडीज लाइक दैट ऑफ प्लेनेट एंड सो ऑन एंड दे आर नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ऑन चार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड सो ऑन ये पहला पॉइंट यानी ये पहला है, डिफेक्ट है रदरफोर्ड फोर्ड मॉडल दूसरा डिफेक्ट नंबर टू पे दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे अगर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे के रदर रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ग्र कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता है कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एक्सेलरेट अराउंड न्यूक्लियस अब हम कहते हैं कि अगर ये अगर ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करता है तो इट शुड रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली और अगर ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करके कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है रेडिएट रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली और अगर ये मुसलसल जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रेडिएट एनर्जी फिर इसका रेडियस जो है वो कम होता जाएगा एंड एवेंचुअली इट फॉल्स इन टू द न्यूक्लियस और आखिरकार ये न्यूक्लियस में जाके रहेगा इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अकॉर्डिंग टू रदर फोर्ड एटम इज एन अनस्टेबल पार्टिकल हालांकि ऐसा नहीं है हैदर फोर्ड के मुताबिक अगर ऐसा हो रहा है तो एटम शुड बी अनस्टेबल ऑल दो एटम इज अ स्टेबल पार्टिकल हम यहां पे क्या कहेंगे हम कहेंगे कि रदर रदरफोर्ड्स रदर अटोमिक मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदर फोर्ड अटोमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता एक और पॉइंट नंबर थ्री पे स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करे इफ द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली फिर क्या होना चाहिए फिर जो एटम का जो स्पेक्ट्रम है ना एटम का जो स्पेक्ट्रम है इट शुड बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दोबारा मेरी बात को समझें अगर हम ज्यादा तो फोर्ड की बात मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन वायर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट कंटिन्यूअसली रेडिएट इनर्जी देन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूस ऐसा होना चाहिए शुड बी ऐसा होना चाहिए हालांकि ऐसा है नहीं हकीकत में अटोमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम तो इसका मतलब है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम भी इस बात को कंफर्म नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हुए कंटिन्यूसली रेडिएट इनर्जी वो इसको कंफर्म नहीं करता माय डियर स्टूडेंट दीज आर द डिफेक्ट्स इन रदर फोडोटॉमिक मॉडल इन डिफेक्ट्स की वजह से रदर फोडोटिक मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेंस हासिल नहीं कर पाया इसके बाद इसका एक स्टूडेंट था नील बोहर नील बोहर ने फिर अपने टीचर के इस एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं इनको रिमूव किया और मेन डिफेक्ट क्या था कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदर फोडोटोमिक मॉडल नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो फिर जो ने नेटोमिक मॉडल दिया वो बड़ी हद तक स्टेबिलिटी ऑफ एटम उसको एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने रदर फोडोटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट कंकुल ऑफ रदर फोडोटोमिक मॉडल और लास्ट में हमने डिफेक्ट इन रद फोटोटॉमिक मॉडल इनकुस्ट नहीं किया मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए अपना करम फरमाए अल्लाह ताला आपके इलम में